हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट फ्रेंड्स मैं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोम फ्रॉम आ बुक एंगेजिंग इंग्लिश फॉर क्लास सेवन एंड द नंबर चैप्टर नंबर इज सिक्स अब ये एक पोम है एक्चुअली द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नेम ऑफ द पोम आई शुड से इज द लेडी ऑफ शैलेट द लेडी ऑफ शैलेट रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अब ये जो पोम है ये एक्चुअली इट्स अ वेरी लेंदी पोम बहुत बड़ी पोम है ये लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी बुक में थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन दिया हुआ है इसका तो अगर आप एक्चुअल वर्जन देखोगे तो इसमें हमें सिर्फ पार्ट वन और पार्ट टू दिया हुआ है इसमें पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर भी है सो इट्स अ रियली लॉन्ग पोम जो आपने देख ही लिया होगा बुक में एंड uh, जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम पोम हमने पूरी पढ़ी थी यहाँ से आई और वहाँ से चली गई सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद्सप्लेनेशन लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम फिर समरी देखेंगे एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आर ऑथर द पोएट एंड देन्यू विद द पोम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि 1809 से 1892 तक हमारे साथ थे वॉज द पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया सो एल्फर्ट लॉर्ड टेनिसन जो थे ये क्वीन विक्टोरिया के रेन में मतलब उनके एजा में ये इंग्लैंड के पोएट लॉरियट थे मतलब इनको एक बहुत बड़ी पदवी हासिल थी हिस्स पोम्स ऑफन टॉक अबाउट मिथ्स लेजेंड्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इनकी पोम्स में यूजुअली मिथ्स मतलब जो आपकी जो झूठी बातें होती हैं जैसे जैसे लोग कहते हैं सुपरस्टिशंस की बात होती है मिथ्स की बात होती है रॉन्ग बातें होती हैं लेजें की बातें होती हैं जैसे कि बहुत पुराने किसी राजा के बारे में या कोई बहुत ही मानी हुई जानी मानी सी स्टोरी है उसके बारे में और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लिखा करते थे ये द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड एंड यूलेस एंड द लोटो ईटर्स आर समे फेमस पोम्स तो ये कुछ इनकी फेमस पोम्स हैं अब जो हम एक जो पोम पढ़ने जा रहे हैं अच्छा वन मोर थिंग पोएम पोयम पोएम एंड पोएम और ये जो पोम ये सारे प्रोनाशिएशन करेक्ट हैं आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं मैम यू से पोम सो द थिंग इज पोएम पोएम एंड पोम ये तीनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं पोम जो है ये ऑस्ट्रेलियन प्रोनाशिएशन है जो आप देखोगे आज की डेट में सारे जो आईसीआई स्कूल हैं हर जगह वो इसी तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं अगर आप ब्रिटिश में जाओगे तो इट इज पो एम पो एम और अमेरिकन में जाओगे तो इट्स पो एम ओके सो एवरी थिंग इज करेक्ट आप जैसा भी बोलना चाहो आपकी टीचर जैसे बोलती है यू कैन जस्ट सी इट लाइक दैट नाउ लेट स्टार्ट विद दिस पोम Do you know what uh, Arthurian legends are? सबसे पहले अगर आपने कभी भी King Arthur के बारे में पढ़ा है उनकी legends बहुत ज़्यादा famous है तो King Arthur जो है उनकी सारी legends को Arthurian legends कहा जाता है तो क्या आप उनके बारे में जानते हो They are stories centering on the brave deeds of King Arthur. तो ये जो Arthurian legends है legends मतलब the famous stories of different kings or gods and etc. तो यहाँ पे जो थरियन लेजेंड्स हैं इनमें स्टोरीज है किंग आथर की ब्रेवरी की एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल द पोम बेस्ड ऑन सच अ लेजेंड अब ये जो पोम है ये ऐसी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पर है नरेश द स्टोरी ऑफ अ मिस्टीरियस लेडी इस पोम में एक मिस्टीरियस लेडी है हु लिव्स अ लोन इन अ टार जो एक बहुत बड़ा सा टार है जिसमें वो अकेले रहती है अंडर द शेडो ऑफ अ कर्ल्स और जहाँ पर वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उनके ऊपर एक शराप है एक कर्ल्स है तो कौन सी मिस्टीरियस लेडी है और ये क्या कर्स है और उससे क्या होता है ये सब देखने वाले हम इस पोम में सो लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट पार्ट लेट्स स्टार्ट विद इट ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर लाई लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बाली एंड ऑफ राय द वॉल्ड एंड मीट द स्काई एंड थ्रू द फील्ड द रोड बाय टू मेनी टावर्ड द येलो लीव्ड लिवर लिली

लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बाली एंड राई ये दोनों क्रॉप्स हैं दैट क्लोथ द वर्ल्ड एंड मीट द स्काई दैट क्लोथ द वर्ल्ड क्लोथ मतलब जो पूरा कवर कर लेती है जैसे कि एक कोई कपड़ा बिछा दिया है उस तरीके से उसने पूरा कवर कर लिया है द वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब क्या है एक ओपन स्पेस जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होता है उस पूरे लैंड को उसकी जो खूबसूरत जो बाली और राई की जो क्रॉप्स हैं उन्होंने कवर कर लिया है एंड मीट द स्काई मीट द स्काई का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो बहुत ही ऊँची ऊँची सी जो क्रॉप्स हैं क्रॉप्स के नॉट मीट द स्काई बट द इट फील्स लाइक यू नो दे आर रियली टॉल एंड थ्रू द फील्ड द रोड वंस बाई और इसकी ये जो पूरा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है इसमें से एक रोड जाती है यहाँ से एक रोड जाती है टू मैनी टावर कैमलॉट कहाँ जाती है वो एक बहुत बड़ा कैसल है एक बहुत बड़ा जो है मिनी टावर्ड कैमलॉट सो कैमलॉट जो है इज़ द कैपिटल ऑफ किंग आर्थर सो किंग आर्थर की जो कैपिटल है उस जगह का नाम है कैमलॉट और वो कैमलॉट जो है एक बहुत बड़ा कासल है तो ये जो रोड है ये किस तरफ जाती है ये रोड जाती है कैमलॉट की तरफ द येलो लीव्ड वाटर लिली द ग्रीन शीट डिफॉर डिली ट्रेम्बल इन द वाटर चिली राउंड अबाउट शैलॉट अब यहाँ वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे ये एक शेलोट जो है ये एक छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पे इसके आजू बाजू में फ्लावर्स हैं कौन कौन से फ्लावर्स हैं येलो लीव्ड वाटर लिली वाटर लिली वाले फ्लावर्स हैं ग्रीन शीट डेफोडिली वाले डेफोडिल्स हैं वहाँ पे एंड दे ट्रेम्बल इन द वाटर चिली मतलब ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और वो उसमें ट्रेम्बल करते हैं राउंड अबाउट शेलॉट तो ये जो शेलॉट आइलैंड है इसमें मतलब रिवर के बीच में ये जो शेलॉट है यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं इसके आसपास। अब ये हमने पढ़ा है पार्ट वन का पहला स्टैंडा और अब हम इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे टेनिसन स्टार्ट्स आउट दिस पोम विद अक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंडस्केप सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है पूरे लैंडस्केप को डिस्क्राइब किया है सो ही हैज स्टार्टेड आउट दिस पोम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप आ रिवर रन टू फील्स ऑफ ग्रेन एक रिवर है वो कहाँ पे इट रन टू फील्स ऑफ ग्रेन मतलब उसके दोनों आजू बाजू दो, दोनों साइड हैं वहाँ पे क्या है ग्रेन की फील्स हैं द बाली एंड द वीट कवर द लैंड और ये जो बाली और वीट के जो क्रॉप्स हैं पूरे उस लैंड को कवर कर लेते हैं थ्रो दिस फील्ड दर इज अ रोड रनिंग टूवर्ड्स द कासल ऑफ कैमलॉट और इस फील्ड से एक रोड जारी है जो किस तरफ जारी है जो द कासल ऑफ कैमलॉट विच इज़ द लेजेंड्री होम ऑफ किंग आर्थर एंड इज नाइट्स और ये जो प्लेस है ये क्या है ये कौन सी जगह है इट्स द लेजेंड्री होम ऑफ किंग आर्थर एंड इज नाइट्स The people of the town travel along the road and look towards an island called shallot अब पानी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है तो जो लोग इस रोड पे ट्रेवल करते हैं वो क्या देखते हैं वो इस आइलैंड की तरफ देखते हैं जिसका नाम है shallot which lies further down the river. और जो रोड रिवर में और आगे जाने पे आता है the island of shallot contains सेवरल फ्लावर्स प्लांट्स लाइक येलो लीव वाटर लिली डेफिडल्स एक्सेट्रा दैट ट्रम्बल इन द चिली वाटर ऐसा लगता है कि वो ट्रेम्बल करें ना कैन फ्लावर्स ट्रेम्बल नो दे केन नॉट ट्रैम्बल बिकॉज इट इज़ अूमन क्वालिटी ओनली ह्यूमन्स कैन ट्रेवल और ओनली लिविंग बींग्स कैन ट्रेवल आई शुड से एनिमल्स कैन ट्रेम्बल ह्यूमन्स कैन ट्रेम्बल फ्लावर्स के नॉट ट्रेम्बल तो यहाँ हमने फ्लावर को परसोनीफाई किया है एज इफ दे आर ट्रम्बलिंग इन द चिल्ड वाटर of the river round the shalit island willows white and aspens shiver, the sunbeam showers break and quiver, in the stream that runneth ever by the island in the river, flowing down to camelot, four grey walls and four grey towers overlook a space of flowers, and the silent isle embowers the lady of shalit. ना विज वाइट एन एसपेंस व ट्री और शर्ब सो बेसिकली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वाइट विलोज वाइटन तो वहाँ पे जो बहुत सारे प्लांट्स हैं दे हैव लाइक दे वाइट इन कलर एस्पेंस शिवर यहाँ वाइट एंड वाइट इन कलर एज इन जैसे हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो क्या होता है पेल हो जाता है हमारा चेहरा या हमारे हाथ वाइट कलर के होने लग जाते हैं लिप्स ब्लू हो जाते हैं सो so ये कह रहे हैं कि जो वो प्लांट्स हैं उनको ठंड के मारे दे हैव गॉन वाइट एस्पेंस शिवर अगेन एस्पेंस इज अ ट्री विथ स्मॉल लीव्स इट्स अ ट्री अ बिग ट्री विथ स्मॉल इट शिव बिकॉज ऑफ द कोल्ड द सन बीम शाज ब्रेक एंड क्विवर अब जो सूरज है उसकी जो सन बीम्स आ रही है उसकी जो लाइट्स आ रही है रे ऑफ लाइट्स दे ब्रेक एंड क्विवर इन द्रीम दैट रन एवर तो वो जो है जब नीचे जो नदी बह रही है जो स्ट्रीम बह रही है उसमें जब उसकी जो लाइट पड़ रही है तब पानी तो बहता है तो ऐसा लग रहा है कि पानी के साथ वो भी जो है वो क्वर कर रही है वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब शेक स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली मतलब पानी के साथ जो वो सन बीम्स है जैसे ये पानी है इस पर जो सूरज की रोशनी इस तरीके से जो पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो भी जो है वो शिवर कर रही है क्विवर कर रही है रन इथ एवर वॉट इज द मीनिंग ऑफ रनिथ अ पर्सन हैज इवन मोर ऑफ समथिंग देन दे होप्ड और बिलीव डेट कुड हैव रनित का मतलब क्या है डेट रन इथ एवर यहाँ पे इसका मतलब है कि जो नीचे रन कर रहा है और यहाँ पे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सन बीम्स हैं वहाँ पे यहाँ पे अपन इसका जो मीनिंग है इसको दिस इज नॉट अब पर्सन ये इसका राइट right मीनिंग नहीं है हमें बस इतना पता है कि वहाँ जो नीचे जो पानी बह रहा है उसके ऊपर ये जो सन बीम्स पड़ रही है वो ऐसा लग रहा है ब्रेक हो रही है कोवर कर रही है बाय द आईलैंड इन द रिवर फ्लोइंग डाउन टू कैमलेट और ये जो रिवर है ये किस तरफ बह रही है ये कैमलेट की तरफ बह रही है फोर ग्रे वॉल्स एंड फोर ग्रे टर्स Overlook a space of flowers and the silent isle आइल the lady of shallot. शैलेट अब ये जो हम बात कर रहे हैं शैलेट की इस आइलैंड पे देर इज द्रे वॉल्स बहुत बड़ी बड़ी जो है फोर ग्रे वॉल्स हैं और वहाँ पे फोर ग्रे टावर्स हैं ओवर लुक अ स्पेस ऑफ फ्लावर्स जहाँ से आप देखो तो आपको फ्लावर्स दिखते हैं एंड द साइलेंट आयल एम्बावर्स और ये जो साइलेंट आयल मतलब आइलैंड है इट एम्बावर्स एम्बावर्स का मतलब उसने कैप्चर करके रखा है उसने किडनेप करके रखा है उसने रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है सराउंड करके रखा है इनक्लोज करके रखा, कर रखा, कर रखा है किसे द लेडी ऑफ शैलेट सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट द लेडी ऑफ शैलेट इन द सेकेंड स्टैंड ऑफ पार्ट वन अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं द विलो ट्रीज एंड दिन ट्रीज दैट ग्रो ऑन द the wind blows। तो जब हवा चल रही है तो ये जो trees और एस्पिन ट्रीज है ये ठंड के मारे दे आर क्विवरिंग द सन on फॉलिंग ऑन द to सीम्स टू the ओवरफ्लोइंग स्ट्रीम flows फ्रीली तो ये जो ओवरफ्लोइंग स्ट्रीम है जो कि बस मतलब लबालब भरी हुई है और बह रही है उस पर जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है वो टूट रही हैं ऐसा लग रहा है वो क्विवर कर रही हैं हिल रही हैं दीज स्ट्रीम्स जन अलॉन्ग रिवर और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये उस रिवर के अलोंग मतलब उसके साथ साथ जो है आगे जा रही है विच फ्लोज कॉन्स्टेंटली पास द आईलैंड इन एन एंडलेस वेव और ये जो है मतलब ये आपका मेन रिवर अगर है उसके पास में एक स्ट्रीम भी बह रही है और वो किसके साथ रही है इस रिवर के है है। है जो कि तक जाती एक लेडी जिसका नाम है लेडी ऑफ द शैलेट ये जो है बंदी बनाई गई है ये प्रिजन की तरह, मतलब उस प्रिजन में जो में जो जो आइलैंड ये प्रार है वो एक तरीके से प्रिजन है उनके लिए जहां उन्हें इम्प्रिजन किया गया उन्हें बंदी बना के रखा गया है इन अ बिल्डिंग मेड अप ऑफ फोर ग्रे वॉल्स एंड टार्स

Beneath the moon, the reaper weary, listening whispers. This, the fairy lady of—it's the fairy of—it's uh, the fairy lady of Charlotte. यहाँ वो बोल रहे हैं अंडरनीथ द बीअर्डेड बाली अब ये जो बाली के जो क्रॉप अंडरनीथ मतलब तो उसके नीचे जो है द रीपर रीपिंग लेट एंड अर्ली उसके नीचे बहुत सारे फार्मर्स हैं पेजेंट्स हैं रीपर्स हैं जो कि उसको जो है हार्वेस्ट करते हैं तो वो लोग वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक वो रीप करने का काम करते हैं हियर्स हर एवर चैंटिंग चेयरली उन्होंने उस लेडी ऑफ शैलेट की आज

Uh, जितने भी जो रीपर्स हैं जो फार्मर्स हैं तो उन्होंने जब पूरा हविस करने के बाद इसको अपने कंधे पे रख के जो पूरे जो धान है उनका जो शीव्स मतलब जो पूरे बंडल्स हैं ग्रीन्स के उसको वो लेके जाते हैं इन फरोज़ एरी फरोज एरी मतलब स्पेशियस लॉन्ग नैरो ट्रेंच मेड इन द ग्राउंड अ अपलो मतलब जो क्यारियाँ बना लेते हो आप जैसे ये आपकी पूरी फील्ड है तो इसमें आप इस तरीके से जो है एक छोटी छोटी जो है रोज बना लेते हो उसमें वो चलते हुए जाते हैं बीनीथ द मून द वेरी अब दिन भर काम करके जब रात में वो लोग थक जाते हैं वेरी का मतलब क्या है थक जाना तो जो रीपर्स हैं जो ये पेड़ का ख्याल रखते हैं दे आर वेरी टायर्ड एंड दे मतलब लिसनिंग विस्पर्स दिस इज द फेरी लेडी ऑफ शैलेट और यहाँ वो बोलते हैं अरे ये पता है कौन है लेडी ऑफ शैलेट जो एक फेरी की तरह है यहाँ पे वो उसको एक घोस्ट एक जो है मैजिकल स्पिरिट से कंपेयर कर रहे हैं the poet says that below the dense leaves of barley crops only the reapers who reap the crops all day notice a sign of the lady ye jo sirf reapers ne sirf inhi ko jo hai is lady ka sign pata hai साइन मतलब इस लेडी की आवाज़ वो at least sun pate hain they hear her singing a song like an angel that echoes happily down the river to camlet तो वो जो है वो सुन सकते हैं उसका गाना जो कि बहुत मेलोडियस है और ऐसा लग रहा है कि वो पानी के साथ बहता हुआ कैमलेट तक पहुंच गया है When the reapers are working at night, piling up sheaves, they hear the lady singing. जब वो रात में जो काम करके जब फाइनली वो पाइल्स को इकट्ठा करके जा रहे हैं तो वो उसको फिर से लेडी को सुनते हैं गाते हुए They seem a little enchanted, creeped out by her song. उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मैजिकल हो रहा है उन्हें डर भी लगता है एंड do डू दे कॉल The फेरी लेडी ऑफ शैलट वो बोलते हैं उसे द फेरी लेडी ऑफ शैलेट एज इफ शी वॉज अ घोस्ट और मैजिकल स्पिरिट वो उसको ऐसे नाम देते हैं जैसे कि वो कोई घोस्ट हो या कोई मैजिकल स्पिरिट हो द लिटिल आइल इज ऑल इन रेल्ड विद अ रोज फेंस एंड ओवर ट्रेल्ड विद रोजेस बाय द मार्ज अनहेल्ड द शैलो फ्लिटथ सिल्कन सेल्ड स्किमिंग डाउन टू कैमलेट अपोल गार्लेंड विंडस हेड शी लिनीथ ऑन अलवेट बेड फुल जोइली अपल्ड द लेडी ऑफ शैलेट अब यहाँ पे लेडी ऑफ शैलेट को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया गया है द लिटिल आयल इज़ ऑल इन वेल्ड यहाँ वो बोल रहे हैं ये जो लिटिल आयल है आयल मीन्स ये जो हमारा जो छोटा सा आइलैंड है द आइलैंड ऑफ शैलेट लाइक द शैलेट आइलैंड है द लिटिल आयल इज़ ऑल इन वेल्ड इन वेल्ड का मतलब क्या है सराउंडेड विथ रेल्स तो उसके आसपास बहुत सारी रेल से सराउंडेड है वो रोज की फेंस बनी हुई है मतलब रोजेस की क्यारियां बनी हुई हैं जिसमें ओवर का मतलब होता है इतने सारे रोजेस हैं कि वो जो है लटक लटक के ग्राउंड को भी टच कर रहे हैं बाय द मार्ज अनहेल्ड अब बाय द मार्जिन अनहेल मतलब विदाउट अटेंशन सो द बाय द मार्ज अनहेल्ड द अब पहले हम एक एक वर्ड का मतलब देखते हैं मार्ज का मतलब है मार्जिन अनहेल्ड का मतलब है जहाँ पे आप अटेंशन नहीं दे रहे हो शेलब का मतलब होता है लाइट सेलिंग बोट बोट यूज इन शेलो वॉटर्स तो शैलोप मतलब क्या है जो बहुत ज़्यादा वाटर्स डीप नहीं होते हैं वहाँ पर बहुत लाइट बोट्स यूज होती हैं उन बोट्स को कर, कहते हैं शैलोप और फ्लिटिथ का मतलब होता है टू मूव अलॉन्ग रैपिडली एंड लाइटली और उन बोट्स पे जो है रैपिडली और लाइटली जाना सिल्किन सेल्ड मतलब सिल्कन मतलब स्मूथली सेल करना तो बेसिकली इन दो वर्ड लाइंस का मतलब क्या है कि जो लिटिल आयल है जो लिटिल आइलैंड है उसमें पूरे चारों तरफ रेल्स हैं बेसिकली क्यारियाँ बनी हुई हैं जहाँ रोज़ के फेंस हैं और वो ओवर क्राउडेड है रोजेज से इतना ज़्यादा कि वो एकदम नीचे आके ज़मीन को टच कर रहे हैं बाय द मार्ज एन हेल्ड बाय द मार्जिन अब मतलब वो ये यह यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे इत, उसको ज़्यादा कोई देख नहीं रहा है द शैलो फ्लिटेड सिल्कन सेल्ड और यहाँ जो बोट है इधर पे जो छोटी सी एक्सट्रीम बह रही है जो रिवर है वहाँ पे एक छोटी सी बोट है शैलो मतलब जो बहुत डीप में नहीं जाती वो क्या है जब गुजर रही है वहाँ से तो इन पौधों को छूते हुए एकदम उसमें से टकराते हुए जा रही है स्किमिंग डाउन टू कैमलॉट स्किमिंग का मतलब क्या होता है द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड मतलब जब ये जो ये रिवर जो है इसमें से जब ये बोट जो है जा रही है तो यहाँ जो पूरे रोज़ के प्लांट्स लगे हुए हैं वो उसको छूते हुए कुछ को निकालते हुए वहाँ से चली जा रही है अपोल गार्लेंड विंड्स हर हेड

और जो है वो एकदम वेलवेट बेड uh, पे सोती हैं और वो रॉयल कपड़े पहनती है मतलब जैसे राजा महाराजा महारानियाँ जैसे पहनती हैं उस तरीके के कपड़े पहनती हैं वो अब आते हैं हम इसके पार्ट टू में नो टाइम हैज शी टू स्पोर्ट एंड प्ले अ चार्म्ड वेब शी वीव्स ऑल वे अ कर्स इज ऑन हर इफ शी स्टे हाउ वीविंग ईदर नाइट और डे टू लुक डाउन टू कैमलेट शी नोज नॉट वट दर्स मे बी देर फो शी वेडली देर फोर नो अदर केयर हैथ शी द लेडी ऑफ शैलेट यहाँ वो क्या बोल रहा है नो टाइम हैथ शी टू स्पोर्ट एंड प्ले ये जो लेडी ऑफ शेलेट है शी हैज नो टाइम हैथ का मतलब क्या होता है Have. सो द लेडी ऑफ शैलेट शी हैज़ गॉट नो टाइम कि वो जो है स्पोर्ट करे मतलब वो घूमे फिरे या वो जो है वो बहुत मजा करे अ अचामड वेब शी वीव्स अ अचाम्ड वेब चाम का मतलब है एक मैजिकल वेब वो एक मैजिकल वेब बना रही होती है वीव्स मतलब वो पूरे दिन एक वीव ही करती रहती है बुनती रहती है वो क्या बुन रही है एक मैजिकल वेब बुन रही है ऑलवे का मतलब है ऑलवेज वो पूरे दिन एक मैजिकल वेब को बुनती रहती हैं ऑन हर इफ शी स्टेविंग इज और डे अगर वो कभी भी अपनी वीविंग रोकेगी तो उसके ऊपर एक कर्ज आ जाएगा और वो एक कर्स जो है वो शी ड वॉन्ट दैट टू लुक डाउन टू कैमलेट मतलब ये है कि अगर उन्होंने कभी भी उस टार से बाहर देखा अगर उन्होंने झांक के वहां से कभी भी बाहर देखा तो उन पर एक कर्ज आ जाएगा शी नोज़ नॉट वॉट द कर्स में भी उन्हें पता भी नहीं है कि ये कर्ज क्या है उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या होगा देव फॉर शी वे विद स्टडीली इसी वो रेगुलरली सिर्फ वीव करती रहती हैं देव फॉर नो अदर केयर हैड शी द लेडी ऑफ शैलेट इसलिए उन्हें और किसी चीज़ की सुध नहीं है वो और किसी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है वो सिर्फ वीव करती रहती हैं The lady has no time to have fun and play. She is weaving a magic web. वो एक magic web बना रही है इसको हम magical कर देते हैं because it's acting as a यहाँ पे adjective. ऑल डे एंड ऑल नाइट वो ऑल डे ऑल नाइट सिर्फ इस मैजिकल वेब को बुनती रहती है शी नोज इज अ कर्स अपॉन हर उन्हें पता है उनके ऊपर कोई श्राप है इफ शी लुक्स डाउन एट कैमलेट अगर वो अपने टार से नीचे कैमलेट की तरफ देखेंगी तो उन्हें पता है उन पे कोई कर्स आ जाएगा ऑल दो शी डज नॉट नो वट द कर्स इज जबकि उन्हें नहीं पता कर्स क्या है शी वी टी एंड थिंग्स ऑफ लिटल वो सिर्फ वीव करती रहती है और किसी चीज़ के बारे में ज्यादा नहीं सोचती She lives with little joy or fear, over the waters running near. The sheep bell tinkles in her ear, before her hangs a mirror clear. Reflecting towered Camelot, and as the mazy web she whirls. She sees the surly village churls, and the red cloaks of market girls pass onward from Charlotte. अब वो यहाँ कह रही है शी लिव्स विद लिटिल जॉय ऑफ उन्हें बहुत ज्यादा किसी चीज की खुशी है ना किसी चीज़ का बहुत ज्यादा डर है ओवर द वाटर रनिंग नियर कहाँ रहती है वो ओवर द वाटर रनिंग नियर जो पास में जो नदी बह बहरी उसके ऊपर वो रहती हैं द शीप बेल टिंकल्स इन हर ईयर उनके कानों में जो शीप बेल है जो वहाँ भेड़ चलाते हैं वो चराने चल, के लिए आते हैं वो फील्ड्स में उनकी जो घंटी की आवाज़ होती है वो उनके कानों तक आती है बिफोर हर हैंग मिरर क्लियर अब उनके सामने एक मिरर टंगा हुआ है जिस मिरर में वो सब कुछ देख सकती हैं रिफ्लेक्टिंग टावर्ड कैमलेट और उस मिरर में क्या देख पाती हैं वो बड़ा सा कैमलेट कैसल एंड एज द मेजी वेब शी वर्ल्स और जिस तरीके से जैसे ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा वेब है मेजी मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो ये जो कॉम्प्लिकेट सा पूरा जो वेब ये बना रही है शी वर्ल्स मतलब वीव्स जैसे ही वो उसको वीव कर रही है शी सीज दर्ली विज चर्ल्स तो वीव करते करते जो सामने वाला मिरर है उसमें वो क्या देखती है शी सीज द सर्ली विज चर्ल्स सर्ली मतलब बहुत ही अनफ्रेंडली और चर्ल्स मतलब क्या होता है पेजेंट्स तो जो वहाँ के फार्मर्स हैं जो कभी आपस में झगड़ा भी करते हैं कुछ अनफ्रेंडली भी हैं वो उनको देखती हैं एंड द रेड क्लोक्स ऑफ मार्केट गर्ल्स और जब गर्ल्स मार्केट जा रही हैं या वहाँ से वापस आ रही हैं तो वो जो रेड कलर के क्लोक पहनती हैं मतलब जो पूरा गाउन जैसा रहता है उनका जो केप जैसा उसे वो पहनती हैं पास ऑनवर्ड फ्रॉम शेलेट और वो शेलट से होते हुए गुजरती हैं सो ओवर द रनिंग वॉटर इज द स्ट्रीम्स शी लिव्स विद लिटिल जॉय और फियर तो उनके पास ना बहुत ज़्यादा जॉय है ना फीयर है शी हेयर्स द साउंड ऑफ द टिंकलिंग ऑफ द शी बिल तो जो भीड़ों की जो घंटियों की आवाज़ आती है वो उसे सुनती है देर इज़ अ मिरर विद हर विच गिव्स हर अवे टू लुक एट दॉल टावर ऑफ कैमलेट उसके पास एक मिरर है जिसकी वजह से उसको एक तरीका मिलता है जिसमें वो कैमलेट का बड़ा सा टाल देखती हैं वाइल वीविंग अ कॉम्प्लिकेटेड वेब शी सीज़ द विलेज प्रेजेंस गर्ल्स वेयरिंग रेड क्लोक्स पासिंग ऑनवर्ड्स फ्रॉम शेलेट तो जब वो ये अपना कॉम्प्लिकेटेड वेब को जब है वो वीव कर रही है शी सीज़ द विलेज प्रेजेंस तब वो विलेज के जो फार्मर्स होते हैं उनको देखती है गर्ल्स जो कि रेड क्लोक्स पहने हुए हैं और लोग जो कि जो है शैलेट से पास हो रहे हैं Sometimes a troop of damsels glad, an abbot on an ambling pad, sometimes a curly shepherd lad, or long haired page in crimson clad, goes by to tarred Camelot. And sometimes through the mirror blue, the knights come riding two and two. She hath no loyal knight and true, the lady, the lady of Shalit. Sometimes a troop of damsels glad, सो so, कभी कभी वहाँ से कौन गुजरता है ट्रूप मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ़ डैम्सल्स डैम्सल्स मतलब क्या होता है यंग अनमैरिड वुमेन सो बहुत सारी जो अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं वो सारी वहाँ से खुशी खुशी निकलती हैं एंड एबट ऑन एन एम्बलिंग पैड एबर्ट मतलब क्या होता है कोई भी जो मोनास्ट्री होते हैं उसके जो मोंक होते हैं हेड मोंक उन्हें हम बोलते हैं एबर्ट और एम्बलिंग पैड मतलब क्या है यहाँ पे एम्बलिंग पैड मतलब एक लेजी ओल्ड हॉस में जो है वो जा रहे होते हैं समटाइम्स अ करली शेफर्ड लैड कभी कभी एक यंग शेफर्ड बॉय जिसके कर्ली हेयर हैं और लॉन्ग हेयड पेज इन क्रिम्सन क्लैड या कोई ऐसा पेज मतलब यहाँ पे पेज का मतलब क्या है अंग सर्वेंट टू अट मतलब किसी बहुत बड़े सोल्जर या किसी वॉरियर का जो एक सर्वेंट होता है तो उसको आप कहते हो पेज तो उसके लंबे लंबे बाल हैं एंड क्रिम्सन क्लैट जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं गोज बाय टू टर्ड कैमलेट और वो लोग कहाँ सब जा रहे होते हैं कैमलेट की तरफ जा रहे होते हैं एंड सम मिरर ब्लू और कभी कभी उस मिरर के थ्रू वो क्या देखती हैं द नाइट्स कम राइडिंग टू एंड टू कभी कभी नाइट्स आ रहे होते हैं और यहाँ पे टू एंड टू का मतलब क्या होता है जैसे दो नाइट्स आ रहे होते हैं ग्रुप में शी हैथ नो लॉयल नाइट एंड ट्रू उसके पास कोई भी लॉयल नाइट नहीं है शी इज अ प्रिंसेस बट शी हैज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ हर यहाँ हमें पोइट बता रहा है वो कितनी लोनली है द लेडी ऑफ शैलेट सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं शी ऑल्सो सीज अ ग्रुप ऑफ हैप्पी यंग वुमेन डैम्सल्स ग्लैड एंड देन एबिट the head of monastery on a lazy old horse which is an ambling pad. Young men too a shepherd with curly hair maybe or a page, matlab a young servant to a knight with long hair and red clothes. मतलब दो नाइट्स हैं जो अपने हॉर्स में राइड करते हुए कैमरेट की तरफ जा रहे हैं इवन दो शी है उसे कोट करने के लिए कोई नाइट नहीं है उसके पास वी कैन बिगिन टू फील हर लोनलीनेस एंड लॉन्गिंग अब इस पैराग्राफ में इस टैंसा में हमें पता चलता है कि वो कितना लोनली फील करती है बट इन हर वेब शी स्टिल डिलाइट्स लेकिन वो अपना वीव कर रही है जो वो वेब मैजिकल वीव वेब जो वो वीव कर रही है उसमें वो बहुत खुश है टू वीव द मिरर्स मैजिक साइट्स वो क्या करती है इस मिरर में जो भी उन्हें दिखता है जो भी साइड दिखता है कैमलेट का टार दिख रहा है डेंसल्स दिख रहे हैं एबिट दिख रहे हैं तो वो सब को वो वीव करती है फॉर ऑफन सो द साइलेंट नाइट्स ऑफ फ्यूनरल विथ फ्लूम्स एंड लाइट्स और कभी कभी उन्हें कौन दिखता है जैसे कोई अगर मर गया है तो उसका फ्यूनरल हो रहा है विथ फ्लूम्स फेदर्स एंड लाइट्स वो लोग जा रहे हैं एंड म्यूजिक कम केम फ्रॉम कैमरा टाफ वेन द मून वॉज ओवर हैड केम टू यंग लवर्स लेटली वेड या जब बहुत रात का समय है तब कोई जो दो एक कपल है जो अभी अभी जिसकी शादी हुई है और वो लोग आते हैं आई एम हाफ सिक ऑफ़ शेडोज सेट द लेडी ऑफ शैलेट सो लेडी ऑफ शैलेट क्या कहती है कि आधी जो है मै आई एम डान विद दिस शेडोज आई डो वॉन्ट टू सी दिस शेडोज़ वॉट एवर मैजिक साइट्स शी सीज इन द मेरा द लेडी वीव्स इन टू वेब मतलब वो जो भी देखती है उसको वो वीव कर लेती है द स्पीकर गिव्स कपल मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दोज मैजिक साइट्स जैसे कि कोई फ्यूनरल हो गया ऑन अ क्वाइट नाइट या फुल ऑफ लाइट एंड म्यूजिक जहाँ पे दो न्यूली वेड्स जो हैं दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द मून लाइट द लेडी हैज सम एंटरटेनमेंट बट नो रियल कनेक्शन टू द वर्ल्ड यहाँ पे जो लेडी है नाउ आई एम सिक ऑफ शेडोज का मतलब क्या है कि उसको चीजें दिखाई दे रही हैं बट शी हैज़ गॉट नो कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड एज शी पुट्स इट आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज इसका मतलब क्या है शी इज़ फेड अप विद दिस लाइफ एंड वी कैन फील दैट समथिंग मे बी अबाउट टू चेंज

the poem begins with a description of a river and a road that passes through long fields of barley and rye before reaching the town of Camlott to यहां पे हम जो है एक रिवर के बारे में बात करें जिसके दोनों side crops हैं बाली और राई के और जहां पे एक road है जो कैमलेट की तरफ जाती है the people of the town travel along the road and look towards an island called Shalott लोग जो है उस रोड पे ट्रैवल करते हैं और एक आइलैंड की तरफ देखते हैं जिसका नाम क्या है शालट which lies further down the river जो और आगे चल के आता है द आइलैंड ऑफ शैलेट कंटेन्स सेवर प्लांट्स एंड फ्लावर्स इंक्लूडिंग लिलीज एस्पन्स एंड विलोज On the the island, a woman known as the Lady of Shalit is imprisoned within a building made of four grey walls and four grey towers. अब इस is island में आसपास बहुत सारे flowers हैं बहुत beautiful प्लांट्स हैं यहाँ पे और इस island में एक tower है जो कि फोर ग्रे वॉल्स और फोर ग्रे towers से बना हुआ है जहाँ पे एक लेडी रहती है जिसका नाम है The Lady of शैलेट Both heavy, heavy barges and light open boats sail along the edge of the river to Camlet. But has anyone seen or heard of the lady who lives on the island in the river? Only the reapers who harvest the barley hear the echo of her singing. At night, the tired reaper listens to her singing and whispers that he hears her. दिस इज़ द फेरी लेडी ऑफ़ शैलेट तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी शिप्स भी चलती हैं और जो स्ट्रीम्स हैं उसमें लाइट बोर्ड्स भी चलती हैं और जब जो सबके सब कैमलेट सब की तरफ जा रही है फिर वो बोलते हैं कभी किसी ने लेडी ऑफ कैमलेट को देखा है नहीं लेकिन जो रीपर्स हैं उन्होंने सुना है और जब रात में वो अपने हैवी शिप्स लेके जा रहे होते हैं तब जब विंशी सिंगिंग तो वो विस्पर करते हैं एक दूसरे को ये जो है ना ये है द फेरी लेडी ऑफ द शैलेट Now, part 2. The Lady of Charlotte weaves a magic, colorful web. She has heard a voice whisper that a curse will befall her if she looks down to Camelot, and she does not know what this curse would be. तो जो लेडी ऑफ शैलेट है वो हमेशा एक मैजिकल वेब जो है उसको वीव करती रहती है उसने ये सुना है कि अगर उसने उस स्टार से नीचे देखा कैमलेट की तरफ देखा तो उस पर एक कर्स आ जाएगा उसे नहीं पता वो कर्स क्या होगा दस शी कंट कॉन्सेंट्रेट सोल्ली ऑन हर वीविंग नेवर लिफ्टिंग हर आइस तो वो सिर्फ वीव करती है कभी भी अपनी आँखें ऊपर नहीं करती मतलब कभी भी वो कैमलेट के बाहर कैमरेट की तरफ नहीं देखती हाउ एवर एश शी अ मिरर हैंग्स बिफोर हर तो जब वो वीव करिए तो उनके जस्ट सामने एक मिरर है इन द मिरर शी सीज शेडोज ऑफ द वर्ल्ड और इस मिरर में वो लोगों की परछाई देखती है इंक्लूडिंग द हाईवे रोड थ्रू द द एडीज इन द रिवर एंड द प्रेजेंस ऑफ द टाउन सब कुछ जो भी बाहर हो रहा है वो उसको यहाँ पे दिख रहा है ओकेजनली शी ऑल्सो सीज अ ग्रुप ऑफ डांस एंड अ यंग शेफर्ड और अंग पेज ड्रेस्ड इन क्रिमसन ओकेजनली उनको कुछ लड़कियों का वुल्व दिखता है कभी कोई मॉन्क दिखते हैं कभी कोई शेफर्ड दिखता है या कभी कोई नाइट का जो है सर्वेंट दिखता है शी समाइम्स साइट्स अ पेयर ऑफ नाइट्स राइडिंग बाय कभी कभी उन्हें पेयर ऑफ नाइट्स दिखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं दो शी हैज़ नो लॉयल नाइट ऑफ अ ओन टू कोर्ट है no court, लेकिन उनके पास कोई नाइट नहीं है जो उनका ख्याल रख सके

नाउ दिस वॉज द समरी ऑफ द पोम अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर द पोम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स यहाँ पे जो हमारी पूरी पोम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें टोटल आपके पास कितने हैं फोर स्टैंडजा हैं ईच लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड उसमें हमारे इसमें कम है ईच स्टैंडा कंटेन्स नाइन लाइन्स तो हम ये एक बार देख लेते हैं कन्फर्म कर लेते हैं तो यहाँ पे ये है हमारा पार्ट टू फर्स्ट स्टैंडा सेकेंड स्टैंडजा थर्ड एंड यस, तो हमारे पास जो है टोटल फोर ओके, तो बेसिकली टू पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट में फोर फोर लाइन है अब इसकी जो जाइमिंग स्कीम है उसको हम यहाँ पे समझते हैं ये जो है इसका फर्स्ट जो पोम का जो फर्स्टा है वो अब इसमें आप सबसे पहले देखो लाई राय स्का कैमलेट गो ब्लो बिलो शैलेट तो अगर आप इसमें देखो तो ये rise sky by ये सब सेम है तो हमने इसको ए ए ए ए कर दिया आप कैमलेट अलग साउंड करता है इसको बी दे दिया गो अलग साउंड करता है तो गो ब्लो और बिलो ये सब सेम साउंड करते हैं तो उसको सी 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 दे दिया और कैमलेट और शैलेट सेम साउंड करता है तो उसको भी बी नाम दे दिया तो बेसिकली आपकी जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी ए ए ए ए बी सी 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 बी ये है आपकी राइमिंग स्कीम जहाँ पे बी जो है वो हमेशा कैमलेट होता है और जो फिफ्थ लाइन है वो हमेशा उसमें शैलेट होता है जो नाइन्थ लाइन में ओके okay? अब आते हैं इसमें लिट्ररी डिवाइसेस क्या हैं तो जब हमने इस पोम को पढ़ा था तो इसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस यूज़ करी गई हैं सबसे पहला तो है इमेजरी इमेजरी मतलब राइटर आपको क्या इमोशंस बताना चाहता है वो आपको किस चीज़ को मतलब वो चाहता है कि आप इमेजिन करो ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ उस स्टोरी उस पोम के इमोशंस को समझ पाओ तो इसे कहते हैं इमेजरी तो राइटर्स इमोशंस फीलिंग्स एंड आइडियाज बिकम अपेरेंट टू द रीडर्स विद द यूज ऑफ इमेजरी द इमेज यूज इन दिस पोम आर पहला क्या है ये जो पोएट है वो एक विजुअल इमेज बताता है द फील्स ऑफ बाली एंड दैट सीम टू स्ट्रेच बियॉन्ड द दराइजन ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े फील्ड है ऐसा लगता है कि बस स्काई को टच कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक इमेजरी हो गया सिमिलर जो फ्लावर्स के बारे में बता रहा है वो कि वहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स हैं तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया इमेजरी है जब वो बता रहा है कि कोई शेफर्ड है जो कर्ली हेयर में है या जो एक पेज है जिसने क्रिम्सन कपड़े पहने हैं या, या यंग डेन्सल्स हैं तो यहाँ सब वो इमेजरी का काम कर रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को पिक्चराइज कर सकते हो नेक्स्ट है एलिट्रेशन अलिट्रेशन क्या होता है जब टू और मोर वर्ड्स इन द सेम रो स्टार्ट विद द सेम साउंड उसको बोलते हैं एलिट्रेशन अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी पोम में जैसे एंड थ्रू एंड थ्रू द फील्ड तो ये थ्रू तो नहीं है क्योंकि थ्रू और द इस दोनों का साउंड डिफरेंट है थ्रू का साउंड थ से चालू होता है और द का साउंड द से चालू होता है तो ये नहीं है भले वो टी से चालू हो रहे हैं द रोड रंस बाय रोड रंस ये हो गया एक एलिट्रेशन विलोज वाइटन सन बीम शावर्स अंडरनीथ द बियरडेड बाली द रीपर रीपिंग लेट एंड ओली हियर्स हल चान चीयली तो यहाँ पे ये साउंड रिपीट हो गए सेम लाइन में तो ये हो गए आपके एलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स अब हमें पर्सोनिफिकेशन पे आ जाते हैं सो so, पर्सोनिफिकेशन में जैसे वो बोल रहा है कि जो एस्पिन ट्रीज है दे आर बींग इमेज एज पीपल हु आर शिवरिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड तो हमने जो बोला जो एस्पिन ट्रीज है और जो विलो ट्रीज़ हैं, दे आर शिवरिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड दे क्विवर बिकॉज ऑफ द कोल्ड तो यहाँ पे आप ठंड के मारे सिर्फ लिविंग बींग्स जो होते हैं वो क्विवर करते हैं उनको शिवरिंग होती है तो यहाँ हमने उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है या लिविंग बीइंग की क्वालिटी दी है इसलिए ये हो गया एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल अब है एनाफोरा एनाफोरा मतलब क्या होता है द रिपीटेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ टू और अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हर लाइन जैसे सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है या तीन चार लाइन से जो सेम लेटर सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो उसे एनाफोरा कहते हैं जैसे यहाँ देखो द दिथ विथ तो ये हो गया एनाफोरा का एग्जाम्पल ओके सो दैट इज इट

और वो सिर्फ मिरर में देख पाती है सब कुछ लेकिन अब वो वहाँ से निकलना चाहती है सो so, आगे क्या होगा उसको जानने के लिए यू विल हैव टू रीड द एंटायर पोम जो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल uh, हो जाएगी सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इन आ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड जो क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं इसकी uh, जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ग्रामर पार्ट एंड राइटिंग पार्ट सो टेक केयर ऑफ योर Bye bye.